नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा दसवीं के भूगोल में पाठ तीन प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल में मैथ्स वन एंड मैथ्स टू के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये है पाठ तीन प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न एक में क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, ब्राजील में सर्वाधिक भाग खाली जगह, पहला ऑप्शन है उच्च भूमि का है, दूसरा मैदानी है, तीसरा पर्वतीय है और चौथा विखंडित पहाड़ियों का है। इसके उत्तर में आएगा उच्च भूमि का है, ब्राजील का सर्वाधिक भाग उच्च भूमि का है। अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, भारत की तरह ब्राजील में भी खाली जगह, ऑप्शन में दिया गया है पहला ऊंचे पर्वत है, दूसरा प्राचीन पठार है, तीसरा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और चौथा है बर्फाच्छादित पर्वत। इसके उत्तर में आएगा प्राचीन पठार है, भारत की तरह ब्राजील में भी प्राचीन पठार है। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः खाली जगह, उसमें से पहला ऑप्शन है अनावृष्टि से ग्रस्त है, दूसरा दलदल युक्त है, तीसरा मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है और चौथा उपजाऊ है। इसके उत्तर में आएगा मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है, अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है, इस नदी के मुहाने के पास खाली जगह, ऑप्शन में पहला दिया गया है त्रिभुज प्रदेश है, दूसरा त्रिभुज प्रदेश नहीं है, तीसरा विस्तृत खाड़ियां हैं, चौथा मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा त्रिभुज प्रदेश नहीं है, अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है, इस नदी के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं है। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप खाली जगह, ऑप्शन में दिया गया पहला मुख्य भाग से अलग हुए भाग से बने हैं, दूसरा प्रवाल द्वीप है, तीसरा ज्वालामुखीय द्वीप है, चौथा महाद्वीपी द्वीप है। इसके उत्तर में आएगा प्रवाल द्वीप है, अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप प्रवाल द्वीप है। अब अगला करते हैं, छठवें में क्या दिया गया, अरावली पर्वत की तलहटी में खाली जगह, ऑप्शन में दिया गया बुंदेलखंड पठार है, दूसरा मेवाड़ का पठार है, तीसरा मालवा का पठार है, चौथा दक्कन का पठार है। इसके उत्तर में आएगा मेवाड़ का पठार है, अरावली पर्वत की तलहटी में मेवाड़ का पठार है। अब अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है, भारत एवं ब्राजील की प्राकृतिक संरचना में अंतर बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत की प्राकृतिक संरचना के ये पांच विभाग है, मुख्य रूप से हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। दूसरी ओर ब्राजील की प्राकृतिक संरचना के ये पांच प्राकृतिक विभाग किए जाते हैं, उच्च भूमियां, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। दूसरा, भारत के विभिन्न भागों में ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, इसके विपरीत ब्राजील में ऊंचे पर्वतों का अभाव दिखाई देता है। तीसरा, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दो पर्वतीय प्रदेश हैं। चौथा, भारत के पर्वतीय प्रदेश की सर्वोच्च ऊंचाई 7000 मीटर से 8000 मीटर तक है, जबकि ब्राजील की उच्च भूमि की सर्वोच्च ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच है। पांचवा, भारत में उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है, दूसरी ओर ब्राजील में रेगिस्तान नहीं पाया जाता। छठवा, भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, इसके विपरीत ब्राजील में विस्तृत मैदानों का अभाव है। सातवा, भारत के तटीय भाग में पश्च जल के विभिन्न प्रदेश पाए जाते हैं, ऐसे प्रदेश ब्राजील में नहीं पाए जाते हैं। आठवा, ब्राजील में विशाल कगार पाया जाता है, ब्राजील की उच्च भूमि का पूर्वी छोर इसी कगार द्वारा निर्धारित होता है, इसके विपरीत भारत में पठारों की सीमाओं का अंकन करने वाले ऐसे विशाल कगार नहीं पाए जाते। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, भारत में नदियों में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसके उत्तर में आएगा, भारत में नदियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। उसमें से पहला है
बिना प्रक्रिया किए धोवन जल के निर्वहन पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा कारखाने का दूषित जल प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके नदी में छोड़ना, तीसरा नदी तट पर पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों द्वारा नदी का प्रदूषण न होने पाए इस दृष्टि से मार्गदर्शक सूचना का बोर्ड लगाना, और चौथा नदी के पानी की गंदगी और कचरा निकालकर नदी के पात्र को स्वच्छ करना इत्यादि। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, भारत के मैदानी प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके उत्तर में आएगा भारत के मैदानी प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उसमें से पहला है भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत मैदान पाए जाते हैं, यह मैदानी प्रदेश उत्तर भारतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हिमालय के दक्षिणी तलहटी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी सीमा तक और पश्चिम की ओर स्थित राजस्थान पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक उत्तर भारतीय मैदान के प्राकृतिक विभाग का विस्तार पाया जाता है, यह प्रदेश बहुत ही निचला और समतल है। तीसरा, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के तीन मुख्य विभाग किए जाते हैं। चौथा, अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित गंगा की घाटी का प्रदेश गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है, इस मैदानी प्रदेश की ढलान पूर्व की ओर है। पांचवा, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकांश भाग और बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश पाए जाते हैं, इस प्रदेश को सुंदर वन कहते हैं। छठवा, उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है, इस मैदानी प्रदेश को थार का रेगिस्तान अथवा मरुस्थली कहते हैं, राजस्थान के अधिकांश भाग पर यही रेगिस्तान व्याप्त है, थार के रेगिस्तान के उत्तर की ओर के भाग को पंजाब का मैदानी प्रदेश कहा जाता है। सातवां, पंजाब का मैदान अरावली पर्वत और दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है, इस प्रदेश का निर्माण सतलुज और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद के निक्षेपण से हुआ है। आठवां, पंजाब मैदान की ढलान मुख्यतः पश्चिम की ओर है, इस मैदानी प्रदेश की मृदा के उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि व्यवसाय का बड़े पैमाने पर विकास दिखाई देता है। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, पेंटानल नामक विशाल विस्तृत आंतरिक प्रदेश में दलदल बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके उत्तर में आएगा पेंटानल नामक विशाल विस्तृत आंतरिक प्रदेश में दलदल बनने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, पेंटानल प्रदेश से होकर पेराग्वे तथा उसकी सहायक नदियां बहती हैं। दूसरा, इस प्रदेश में ब्राजील की उच्च भूमि की ढलान से बहने वाला पानी जमा होता है। तीसरा, पेंटानल प्रदेश में पेराग्वे तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पानी और गाद का बड़े पैमाने पर निक्षेपण होता है। और चौथा है, भारी मात्रा में संचित पानी और गाद परत पर परत जमा होती जाती है, जिसके कारण प्रदेश में दलदल का निर्माण होता है। अब अगला करते हैं, पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, भारत के प्रमुख जल विभाजकों के नाम उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत आदि भारत के प्रमुख जल विभाजक हैं। दूसरा, उदाहरणार्थ पश्चिमी घाट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने नदियों के अपवाह तंत्रों को विभाजित करता है। तीसरा, विंध्य पर्वत नर्मदा और गंगा की घाटियों का जल विभाजक है। चौथा, हिमालय पर्वत हिमालय की नदियों और हिमालय पार की नदियों का जल विभाजक है। अब अगला प्रश्न करते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखिए, उसमें से पहला है अमेजन नदी का मैदान। इसके उत्तर में आएगा पहला, अमेजन नदी का मैदान ब्राजील का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है, अमेजन नदी के मैदान की ढलान सामान्यतः पूर्व की ओर है। दूसरा, अमेजन नदी का मैदान ब्राजील के पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा अर्थात 1300 किलोमीटर चौड़ा है, गुयाना उच्च भूमि तथा ब्राजील उच्च भूमि ये दोनों उच्च भूमियां जहां पास पास आती हैं, वहां ब्राजील की नदी के मैदान की चौड़ाई मात्र 240 किलोमीटर है। तीसरा, जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है, वैसे वैसे अमेजन नदी के मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। चौथा, अमेजन नदी का मैदानी भाग पूर्णतः वनाच्छादित है, अमेजन नदी के मैदान के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं, बार बार आने वाली बाढ़ तथा वनों के निचले भाग में जमीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश दुर्गम बन गया है।
अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, हिमालय, इस पे भी टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, हिमालय एक अर्वाचीन वलित पर्वत है। भारत का हिमालय पर्वत कजाकिस्तान के पामीर पठार से प्रारंभ होता है। हिमालय एशिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत प्रणाली है। भारत में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर पूर्वोत्तर दिशा में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। दूसरा, हिमालय केवल एक पर्वतीय श्रेणी नहीं है, इसमें अनेक समांतर पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। हिमालय सबसे नवीन अर्वाचीन पर्वत श्रेणी है। तीसरा, दक्षिण में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी से उत्तर की ओर जाते समय क्रमशः लघु हिमालय, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, और हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये पर्वत श्रेणियां नवीन से प्राचीन के क्रम में हैं। चौथा, हिमालय के पर्वत श्रेणियों के पश्चिमी हिमालय कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय कुमायूं हिमालय और पूर्वी हिमालय असम हिमालय इस प्रकार भाग किए जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ब्राजील का तटीय प्रदेश। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील को लगभग 7400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। यह तट उत्तरी तट और पूर्वी तट इस प्रकार दो तटों में विभक्त है। दूसरा, उत्तर के अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक का तट ब्राजील का उत्तरी तट कहा जाता है। उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को ब्राजील का पूर्वी तट कहते हैं। तीसरा, ब्राजील के उत्तरी तट पर अमेजन और उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए यह तट समतल और नीचा है। इस तट पर माराजो द्वीप, माराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी है। मारोजी तटीय द्वीप अमेजन और टोकांटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुआ है। चौथा, ब्राजील के पूर्वी तट पर अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को नामक एक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है। इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलिन एवं तटीय बालुका भित्तियां दिखाई देती हैं। कुछ भागों में इन तटीय किनारों की रक्षा प्रवाल भित्तियों एवं द्वीपों द्वारा होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, भारत का प्रायद्वीपीय विभाग। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप नामक प्राकृतिक विभाग का विस्तार पाया जाता है। यह प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता गया है। दूसरा, भारत के प्रायद्वीपीय विभाग में अनेक छोटे बड़े पर्वत और पठार हैं। भारत के प्रायद्वीपीय विभाग के उत्तरी भाग में अरावली पर्वत है। यह सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत है। तीसरा, भारत के प्रायद्वीपीय विभाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला है। पठारों की इस श्रृंखला में महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्व का पठार आदि महत्वपूर्ण पठार शामिल है। इस विभाग के मध्य भाग में विंध्य सतपुड़ा पर्वत है। चौथा, भारत के प्रायद्वीपीय विभाग के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट नामक पर्वतीय प्रदेश है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, विशाल का घर। इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से विशाल कगार ब्राजील का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। दूसरा, साओ पाओलो से पोर्टो अलेग्रा के भाग में ब्राजील उच्च भूमि की ऊंचाई सीधे एक ही ढलान में समाप्त हो जाती है। इसके कारण कगार जैसा प्राकृतिक भाग तैयार होता है। ब्राजील उच्च भूमि की पूर्वी सीमा इसी विशाल कगार द्वारा निर्धारित होती है। विशाल कगार के इस भाग में ब्राजील उच्च भूमि की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ भागों में यह ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा, ब्राजील की जलवायु पर विशाल कगार का प्रभाव पड़ता है। इस कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। इससे ब्राजील के तटीय प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। और चौथा है, विशाल कगार के उस पार ब्राजील के पूर्वोत्तर भाग में पवन विमुख प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश तैयार होता है। यह भाग अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण बताइए। उसमें से पहला प्रश्न है, ब्राजील में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील की अनेक नदियां ब्राजील उच्च भूमि में उद्गम पाती है। दूसरा, ब्राजील उच्च भूमि की ऊंचाई
दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके कारण ब्राजील की अनेक नदियां उत्तर और पूर्व दिशाओं में बहती हैं। तीसरा, ये नदियां अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती हैं। यही कारण है कि ब्राजील में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय प्रदेशों में क्या असमानताएं हैं। इसके उत्तर में पहला आएगा, पश्चिमी घाट से निकलकर अनेक पहाड़ी श्रेणियों के पश्चिमी तट तक फैले होने के कारण भारत का पश्चिमी तट अपेक्षाकृत चट्टानी है और उसकी चौड़ाई भी कम है। दूसरा, भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश में अनेक स्थानों पर खाड़ियां पाई जाती हैं। तीसरा, भारत का पूर्वी तट नदियों द्वारा बहाकर लाए गए गाद के निक्षेपण से तैयार हुआ है। भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में अनेक स्थानों पर त्रिभुज प्रदेश तैयार हुए हैं। इस प्रकार भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय प्रदेशों में असमानताएं हैं। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, भारत का पूर्वी तट नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद अवसाद के निक्षेपण कार्य से तैयार हुआ है। पूर्वी तट के अनेक स्थानों पर गाद के त्रिभुज प्रदेश पाए जाते हैं। दूसरा, भारत के पूर्वी तट के समीप पानी की गहराई अधिक नहीं है। भारत का पश्चिमी तट अनेक स्थानों पर चट्टानी तथा संकरा है। तीसरा, गहरे पानी का अभाव तथा संकरा तट प्राकृतिक बंदरगाह के विकास के लिए अनुकूल नहीं होता, इसलिए अन्य देशों की तुलना में भारत के तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों का अभाव है। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, अमेजन नदी की तुलना में गंगा नदी में जल प्रदूषण का परिणाम आदिवासियों पर अधिक होता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, अमेजन नदी के प्रदेश में मानव आदिवासियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। दूसरा, इस भाग में उद्योग भी कम है, परिणाम स्वरूप अमेजन नदी के प्रदेश में जल प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा, गंगा नदी के प्रदेश में मानव आदिवासियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, इस भाग में उद्योगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, परिणाम स्वरूप गंगा नदी के प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में जल प्रदूषण होता है। इसके कारण अमेजन नदी की तुलना में गंगा नदी में जल प्रदूषण का परिणाम आदिवासियों पर अधिक होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न पांच में क्या दिया गया है, सही समूह पहचाने। उसमें से पहला है, ब्राजील के पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर प्राकृतिक संरचना का क्रम। उसमें से क्या क्या क्रम दिया गया, देखो यहाँ पे पहला दिया गया पराना नदी का मैदान, गुएना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि। दूसरे में दिया गया गुएना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान, ब्राजील उच्च भूमि। तीसरे में दिया गया तटीय प्रदेश, अमेजन नदी का मैदान, ब्राजील उच्च भूमि। सही समूह क्या आएगा, गुएना उच्च भूमि, अमेजन नदी का मैदान और ब्राजील उच्च भूमि। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, ब्राजील की ये नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। उसमें से क्या दिया गया, पहला जुरुका, जिंगू, अरागुआ, दूसरा निग्रो, बांक्रो, पारू, और तीसरा है जापुआ, जारुआ, पुरुष। इसका सही समूह क्या है, पहला है जुरुका, जिंगू और अरागुआ। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या पूछा गया, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय पठारों का निम्नांकित क्रम होगा। पहला दिया गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, दूसरा छोटा नागपुर, मालवा, मारवाड़, तीसरा तेलंगाना, महाराष्ट्र, मारवाड़। इसका सही समूह आएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट तीन प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, इस पार्ट का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।